ফুৰিবলৈ আহি ভালেই লাগিছে মানে পানীত हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज फिर से जा रहे हैं सोनबिल, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड और इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड। तो हम लोग जा रहे हैं मागुरा से सोनबिल पे। तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ से, वो भी आप लोग को दिखा दूँ। तो बने रहिए हमारा वीडियो पे एंड तक। तो मेरा साथ में जा रहे है मेरा नेफ्यूज लोग और मैं इधर हूँ मेरा अपना बाइक से। आधा घंटा सफ़र के बाद लोअरफा पे आओ पहुँच से खोतामी हो के। तो लोअरफा से अभी रवाना होंगे। एक्चुअली लोअरफा पे पेट्रोल पम्प है, वहाँ पे तेल डाल के हम लोग फिर से जाएंगे अभी पत्थरगंधी होके सोनबिल की ओर। एक घंटे के बाद हम लोग पहुंच गया पत्थरगांधी पे। तो हम लोग पत्थरगांधी टाउन होके नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे सीधा बाईपास की तरफ और उसका बाद आनेपुर, आनेपुर के बाद आर के नगर। तो मैं आप लोग को बता दूं सोनबिल कौन सा सीज़न में विजिट करने से अच्छा है। तो मैं तो बोलूँगा ज़रूर समर सीज़न पे। तो आज भी हम लोग समर पे ही जा रहे हैं आज से 1 जून, क्योंकि समर सीज़न पे सोनबिल पे काफ़ी सारा पानी जमा हुआ होता है, तो तभी विजिट करने से बोट भी चढ़ सकेंगे। तो इले नाला नहीं तन चो सोनबिल आचा हो रकों को नाचो नाचोंग थे तु अंतिम लाइ तक ना तु इतम लाइ तक मसीगन के निम अभी 1 जून लिखो सोनबिल से गनते। दो घंटा सफ़र के बाद हम लोग अभी आर के नगर पर पहुँच गया। इस तरफ जाने से हम लोग तीन चार फिलाबंदी कर सकेंगे और हमें जाना है मंदिर से। तो इस तरफ फाइनली हमें जहाँ एग्जैक्टली आना था सोनबिल, कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली मैं भारत का नागरिक होके भी अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हिंदी जो है मेरा मदर टंग नहीं है। और मेरा स्कूल लाइफ करीमगंज नीलमणि पे मेरा कुछ फ्रेंड्स और क्लासमेट था, तो उन लोगों से कुछ सीखा और
टेलीविज़न का सारे से भी हिंदी थोड़ा बहुत सीखा। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ सोनबिल का कुछ इसी सीज़न का नज़ारा। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड और एशिया का दो नंबर, वो भी हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट पे करीमगंज। फाइनली हम लोग पहुंच गए। সোনবিল আহি ভালেই লাগিছে, মানে পানীত পানী থাকোঁতে ধৰ নাহোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, ভালেই লাগিছে দেখি। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही, अभी कुछ व्यूज़ एंड मैं आप लोग को दिखा दूँ सोनबिल का इसी सीज़न का कुछ नज़ारा। ओ नंपू नहीं लग रहा ¿no?